हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का इस यूट्यूब चैनल में। सो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों ब्लड डोनेशन के बारे में। ठीक है, तो ब्लड डोनेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे कि ब्लड डोनेशन के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें हम देखेंगे कि क्या रिलेशन्स होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे जनरेशन इसको बोलते हैं। हम पहले देखेंगे कि कौन सी पीढ़ी हमारे ऊपर होती है, कौन सी पीढ़ी नीचे होती है, तो उसको हम कौन सी जनरेशन बोलते हैं, ये भी देखेंगे। उसके बाद हम आपको सारे रिलेशन बताएंगे कि कौन, मतलब हम एक सेम पीढ़ी के लिए क्या सिंबल यूज करें, हस्बैंड वाइफ के लिए क्या सिंबल यूज करें, तो ऐसे कर करके तो हम सारा समझेंगे। और उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन करेंगे आज, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, आज हम पढ़ते हैं, पहले इसमें देखेंगे हम इस रिलेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, अपनी लैंग्वेज की भाषा में। तो एक बार हम पहले ये देखते हैं, इसके बाद आपको मैं टाइप बता दूंगा। टाइप से पहले मैं आपको किस सिंबल से डोनेट करके कैसे करते हैं वो बता दूंगा। दोस्तों, मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि अगर आपने एक बार ध्यान से इसको समझ लिया, ये मान के रखिए आपको इसको दोबारा आपको कॉन्सेप्ट कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत ही एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो पहले हम एक बार रिलेशन देख लेते हैं कि रिलेशन होते क्या क्या है। ठीक है, सो देखो, अब मदर सन, अब माँ का लड़का क्या होता है, या तो आप खुद हो जाएंगे या तो आपका भाई हो जाएगा। ठीक है, सेम ही लिखा है मैंने यहाँ पे, सेम वही है। पापा का लड़का फादर सन। ठीक है, पापा का लड़का आपका क्या लगेगा, या तो आप खुद होंगे या तो भाई होगा, या तो आप यहाँ पे खुद बैठ जाएंगे या तो अदरवाइज आपका भाई होगा। सेम कंडीशन यही पे है, बहन के लिए आ जाएगा। ठीक है, मम्मी की लड़की आपकी बहन होगी, अगर आप सपोज कर लड़की हो तो आप हो जाओगे उसी जगह, आप खुद हो जाओगे यहाँ पे। ठीक है, वही सेम है, पापा की लड़की, पापा की डॉटर, फादर्स डॉटर, तो वो भी सेम हो जाएगा। तो पापा की लड़की क्या लगेगी, पापा की लड़की, या तो आप अगर लड़की हो, सपोज करो आप लड़की हो, तो या तो आप खुद हो गए, मैं खुद, अदरवाइज आपकी बहन होगी वो। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिस्टर लिख रखा है। उसके बाद आते हैं, देखते हैं इसमें मदर्स ब्रदर। अब आपके मम्मी के भाई क्या लगेंगे, आपको मामा लगेंगे। ठीक है, तो आपके मम्मी के भाई क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फादर्स ब्रदर, पापा के भाई, पापा के भाई यहाँ पे क्या लगेंगे, पापा के भाई हमारे चाचा लगते हैं। ठीक है, तो पापा के भाई चाचा लगेंगे हमारे। एक चीज और है दोस्तों, इंग्लिश में जैसे कि हम, हमारे लिए क्या कि हिंदी में चाचा, मामा और फूफा, इन सब मौसा, इन लोगों के लिए हम क्या करते हैं अलग अलग रिश्ता बोलते हैं, बट इंग्लिश में सबको अंकल ही बोला जाता है। तभी मैं आगे इसको बताऊंगा कि क्या बोलते हैं, उसको कैसे बोलते हैं। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं एक बार। उसके बाद आता है मदर सिस्टर, मतलब मम्मी की बहन, मतलब आपके क्या लगेगी, मासी, मम्मी की बहन मासी होती है। ठीक है, तो मम्मी की बहन आंटी, मासी। ठीक है, इंग्लिश में देखो यहाँ पे आंटी बोलेंगे, चाहे बुआ हो, चाहे मासी हो, चाहे मामी हो, उनको इंग्लिश में हमसे आंट बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया मदर्स सिस्टर। आप देखते हैं पापा की बहन, फादर सिस्टर, पापा की बहन क्या लगेंगी, हमारी बुआ लगती है। ठीक है, पापा की बहन बुआ लगती है, इंग्लिश में आंटी बोलते हैं और हिंदी में बुआ बोलते हैं। सेम ऐसे ही है दोस्तों, मदर्स मदर, मतलब आपके मम्मी की मम्मी, आपके मम्मी की मम्मी, मतलब क्या हुआ, नानी, हमारी नानी तो मम्मी की, अपनी मम्मी की मम्मी लगती है। ठीक है, तो ये मम्मी की मम्मी कौन हुआ, हमारी नानी हो गई। और पापा की मम्मी क्या होती है, दादी, इनको हम दादी बोलते हैं, तो पापा की मम्मी कौन हुआ, यहाँ पे दादी। और इंग्लिश में इसके लिए हम ग्रांड मदर यूज करते हैं दोस्तों, ग्रांड मदर यूज करते हैं। अब देखो मदर्स फादर, मतलब मम्मी के पापा, हमारी मम्मी जो है उनके पापा क्या लगेंगे। ठीक है, आप मॉम मम्मी जो भी बोलते होंगे, ठीक है, माता कुछ भी कह लीजिए आप। ठीक है, मम्मी के पापा हमारे नाना जी लगेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नाना जी लिख रखा है। उसके बाद क्या है, पापा के पापा, मतलब हमारे दादाजी। ठीक है, पापा के पापा हमारे क्या हुए, दादाजी, बट इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, ग्रैंड फादर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखो अंकल्स वाइफ, मतलब हमारे चाचा की वाइफ क्या लगती है, चाची, इसको भी, इनको भी इंग्लिश में आंटी बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, मैंने जस्ट समझाने के लिए आपके ऐसे रिलेशंस को बोलते हैं ऐसे, ये इसलिए बता दिया। अब एक्चुअली हम पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे बोले जाते हैं बाकी रिलेशंस को, जो नॉर्मल आपको क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा ये मिलेंगे, ये इसकी वजह सबसे ज्यादा ये मिलेगा आपको। तो मैं आपको देखो एक एक करके बताता हूँ दोस्तों। देखो ब्रदर इन लॉ,
ठीक है, ब्रदर इन लॉ क्या हो जाता है, जीजा जी को भी हम ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, ठीक है। अब जीजा कौन होता है, हमारी सिस्टर के हस्बैंड, ठीक है। समझो आपकी सिस्टर के हस्बैंड जो होंगे आपको वो जीजा लगेंगे, ठीक है। उसके बाद साला क्या होता है, ब्रदर इन लॉ को देखो जीजा बोलते हैं, साला बोलते हैं, देवर बोलते हैं, जेठ बोलते हैं, ठीक है। मैं एक एक करके समझा भी दे रहा हूँ। ब्रदर इन लॉ बता दिया, जीजा मैंने बता दिया कि आपके सिस्टर के हस्बैंड को हम जीजा बोलते हैं, ठीक है। अब साला कौन होता है, सपोज कर मेरी वाइफ हुई, मेरे वाइफ के भाई, वो मेरे साला लगेंगे, मेरा रिलेशन वो मेरे साला लगेंगे, मैं उनको बोलूंगा मेरे ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं देवर क्या होता है, देवर वो होता है जैसे सपोज करो मेरा एक भाई है छोटा, ठीक है, और मेरी वाइफ का रिलेशन मेरे छोटे भाई से देवर का होगा, वो मेरी वाइफ का मेरे वाइफ के वो देवर लगेंगे, ठीक है, ऐसे समझते हैं, ठीक है। उसके बाद जेठ कौन होता है, अब जेठ के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग सा टर्म है, लेकिन हम जेठ वो होते हैं जैसे कि अब मेरा कोई बड़ा भाई है, ठीक है, तो क्या होगा कि मेरी वाइफ के लिए जो मेरे बड़े भैया वो जेठ कहलाएंगे, तो उनको हम जेठ बोलते हैं, उनको ही ब्रदर इन लॉ, जैसे कि आप आजकल की जनरेशन में लोग भैया भाभी ही बोलते हैं नॉर्मली, बट वो होते एक्चुअल में जेठ है, ठीक है। आते हैं अब सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ के लिए भी दोस्तों भाभी होती है, ननद होती है, साली होती है, सहज होती है। मैं एक एक करके चारों टर्म को आपको समझा भी दे रहा हूँ कि इनको क्या बोलते हैं। अब देखो भाभी हो गई, सपोज करो मेरे भैया हुए, भैया की वाइफ भाभी हो जाती है, ठीक है। मेरे बड़े भाई हुए, मेरे बड़े भाई की वाइफ वो हो जाएंगी भाभी। ननद कौन होता है, अब सबसे पहले मेरी वाइफ आई, ठीक है, मेरी शादी मेरी वाइफ की, मेरी मतलब मेरा मेरी जो सिस्टर होंगी, सपोज करो ये मैं हुआ, ठीक है, ये मेरी सिस्टर होगी, सिस्टर बी होगी। अब मेरी शादी होगी किसी सी पर्सन से, तभी सी का रिलेशन बी से, मतलब मेरी सिस्टर से, ये इनकी ननद हो जाएंगी, ठीक है। मतलब मेरी वाइफ की मतलब मेरी वाइफ हो गई और मेरी जो सिस्टर है, ठीक है, तो मेरी सिस्टर और वाइफ का रिलेशन मतलब मेरी वाइफ के लिए वो ननद लगेंगी, ठीक है, तो वो होगी ननद। अब साली क्या हुआ, अब मेरी वाइफ की जो सिस्टर होंगी, मतलब मैं हुआ, यहां देखते हैं मैं हो गया, ये मेरी वाइफ होगी मान लो सी, तो इनकी जो सिस्टर होगी सपोज करो यस है, इनकी सिस्टर हो गई है, तब मेरा इनसे रिलेशन क्या होगा, ये मेरी साली लगेंगी, ठीक है, ये हो गया। उसका सहज, सहज के दोस्तों लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मैं एक सिंपल सा सोल्यूशन देता हूँ, ठीक है। देखो ये मैं हुआ सपोज करो ए, अब मेरी सिस्टर के हस्बैंड, ठीक है, मेरी जो सिस्टर के हस्बैंड है मान लो एक्स पर्सन है, मतलब मेरे जीजा जी, अब मेरी वाइफ की मतलब किसे शादी होती है, मान लो सी पर्सन से मेरी शादी हुई, ठीक है, तब मेरे जीजा जी का जो रिलेशन मेरी वाइफ के साथ लगेगा वो होगा सरहज का, मतलब मेरे जीजा जी के लिए मेरी वाइफ सरहज लगेंगी, ये होता है रिलेशन। मेरी शादी हुई किसी पर्सन एक्स से, ठीक है, उनका रिलेशन मेरे जीजा जी से, उनको बोलते हैं सरहज का रिलेशन, मतलब मेरे जीजा जी के कंपेयर में करोगे तो वो होंगे सरहज, ठीक है, सरहज तक हो गया। अब आते हैं सन इन लॉ, सन इन लॉ के लिए आपको पता होगा नॉर्मल सा कि दामाद बोलते हैं, ठीक है, और डॉटर इन लॉ को बहू बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेफ्यू, नेफ्यू भतीजा बोलते हैं, कोई लोग भांजा बोलते हैं, ये होता है जैसे कि मेरे बड़े भाई या छोटे भाई का बेटा हुआ बेटी हुई, ठीक है, बट इंग्लिश में ये सारे टर्म यूज कर सकते हैं, मामा के लड़के मामा के वैसे मतलब मेरे समकक्ष के मामा के भाई मामा के बच्चे के बच्चे को, ठीक है। अब यार नीस, नीस में आपका भतीजी आती है, भांजा होती है, वो भी मेरे बड़े भाई के या छोटे भाई के बच्चे को भांजा या भतीजी बोलते हैं। अब दोस्तों होते हैं कजिन, देखो हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं कि ये मेरा कजिन ब्रदर है, बट एक्चुअली वो टर्म ग्रामर की भाषा में गलत होती है, कजिन का मतलब ही हो जाता है चचेरा, उसमें ब्रदर और सिस्टर नहीं लगाया जाता है, नॉर्मली हम ग्रामर की भाषा में यही बोलते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जब हम इंग्लिश की क्लासेस अभी स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे बताऊंगा कि हम बस कजिन ही एक पर्टिकुलर सही शब्द होता है, कजिन ब्रदर बोलना गलत होता है ग्रामर की भाषा में, ठीक है। तो कजिन का मतलब ही हो जाता है, इसीलिए हम कजिन लिखने के बाद इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, भाई बहन, कजन में ही आ गया आपका कि भाई भी होगा या बहन भी होगी, ठीक है, कजन का मतलब बता दो। इसमें चचेरे भी लोग भी आ जाते, मतलब मेरे चाचा के लड़के भी आ जाएंगे, ममेरे मतलब मेरे मामा के भी लड़के आ जाएंगे, लड़के और लड़की दोनों, फुफेरे भाई बहन मतलब मेरे बुआ के या फूफा के, ठीक है, उनके भी बच्चे मेरे भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चार तीन रिलेशन होते हैं जिसमें भाई बहन सारे आ जाते हैं, ठीक है, ये होता है कजन का।
अब दोस्तों अंकल, इंग्लिश में देखो अंकल तो एक ही वर्ड यूज करते हैं, चाहे वो मामा हो, फूफा हो, मौसी हो, मौसा हो, ठीक है। बट इंग्लिश हिंदी में हमारे लिए चार अलग अलग होते हैं। चाचा हो गए पापा के भाई, फूफा हो गए बुआ के हस्बैंड, ठीक है, मौसा हो गए मम्मी की सिस्टर के हस्बैंड, ठीक है, मामा हो गए मेरी मम्मी के भाई, ठीक है। ऐसे ही इसमें इंग्लिश में भी करते हैं, इसमें भी करते हैं आंट में। आंट इंग्लिश के लिए तो हम एक ही वर्ड यूज करते हैं, बट इसमें हिंदी में अलग अलग हो जाते हैं। देखो और हिंदी में अलग होना ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हमें यहाँ रिश्ता पता हो जाता है कि अच्छा ये है, एक्चुअल में हमें ये पता चलता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है अगर इंग्लिश में आप रिलेशन पढ़ रहे हो तो, ठीक है। अब देखो चाची हो गई अंकल की वाइफ, ठीक है, बुआ हो गई क्या मतलब बुआ हो गई आपकी पापा की सिस्टर, ठीक है। उसके बाद आते हैं मौसी, मौसी हो गई आपकी मम्मी की सिस्टर, ठीक है। उसके बाद आते हैं मामी, मामी हो गई हमारे मामा मतलब मेरी मम्मी के भाई भाई की वाइफ, उनको बोलते हैं मामी। दोस्तों ये तो हो गया सारा रिश्ता कैसे कैसे होता है, हम ये पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि जनरेशन क्या होता है और उसको क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या क्या करेंगे और किस सिंपल से डोनेट करेंगे, जिससे कि हम एक पैटर्न बनाएंगे और हमें वो कभी दोबारा से नहीं भूले, ठीक है। सो ऐसे हम देखेंगे आगे। तो अब मैं आपको चार्ट बना के दिखाता हूं कि कैसे कैसे होता है। दोस्तों देखो सबसे पहले ना अपने आप को आपको यहां रखना है, सेल्फ, ठीक है। अब इसी जनरेशन में आपकी जनरेशन में कौन कौन आ जाएगा, देखो बहन आ जाएगी, भाई आ जाएगा, आपके जितने कजिन्स हैं वो भी आ जाएंगे। मैं कजिन लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी में लिखने में सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। कजिन मतलब आपके मामा के बच्चे आ जाएंगे, फूफा और बुआ के बच्चे आ जाएंगे, मतलब चचेरे ममेरे फुफेरे, ठीक है, ये सारे लोग आ जाएंगे यहाँ पे। ये सारे आपके जनरेशन के होंगे, ठीक है, ये आपके जनरेशन के हो जाएंगे, सेम एक जनरेशन के। इससे ऊपर चलो, कुछ लिखता नहीं ऐसे। इससे ऊपर जब आप जाओगे, इससे ऊपर की जनरेशन में आपको कौन कौन मिलेगा, देखो ये तो पापा, मम्मी, चाचा, चाची, बुआ, फूफा, मासी या मौसी जो भी कहते हैं आप, मौसी, मौसा, ठीक है, मामा, चाचा, मामी, पापा, ठीक है। ये लोग कौन से आते हैं, हमारे जस्ट एक ऊपर वाली जनरेशन में आते हैं, ठीक है। अब इनसे ऊपर वाली जनरेशन में कौन आता है ये भी देख लेते हैं। अब देखो इनसे जस्ट ऊपर वाली जनरेशन में दादा, दादी और नाना, नानी, ठीक है। अब इससे ऊपर भी चले जाएंगे तो ग्रा मतलब पेरेंटियल, उसको पेरेंटियल ग्रैंड मदर बोलते हैं, जिसको परदादा, परदादी, परनाना, परनानी बोलते हैं। बट दोस्तों वहां तक क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं तो हमें वो पढ़ना नहीं है, बट एक बार हमें बता दे रहा हूँ ऐसे होता है, ठीक है। देखो हम इसको फर्स्ट जनरेशन मानते हैं क्योंकि सबसे पहली पीढ़ी हम इनको मानते हैं, सेकेंड हमारी ये जनरेशन आ जाती है, सेकेंड पीढ़ी, जिसको जनरेशन मतलब पीढ़ी, अगर हिंदी में आप पढ़ोगे तो पीढ़ी बोलते हैं। ये हमारी पहली पीढ़ी थी ऐसे, ये हमारी दूसरी पीढ़ी है और ये हमारी तीसरी पीढ़ी है, थर्ड पीढ़ी है, तीसरी जनरेशन। देखो अब इससे जब नीचे जाओगे अपना, जैसे इससे नीचे आया, अब इससे नीचे कौन कौन होगा, देखो बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी, ये जो होंगे आप नीचे वाली जनरेशन में, तो इनको बोलेंगे हम क्या, फोर्थ जनरेशन या फोर्थ पीढ़ी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर इसके ऊपर हम इसके नीचे जाते हैं, इसके नीचे कौन सा आ जाएगा, आपके बच्चे के बच्चे मतलब फिफ्थ जनरेशन आ जाएगा ये, ठीक है। बट इतने डीप तक ना यहां तक दोस्तों नहीं पूछा जाता और ना ही आपको इस फर्स्ट जनरेशन से ऊपर वाले, जो जीरो जनरेशन कह सकते हो, आप कुछ ऐसे भी कह सकते हो, इसके ऊपर इन दोनों में क्वेश्चंस बहुत ही रेयरली चांसेस होते हैं पूछने, वैसे पूछे नहीं जाते, ठीक है। तो हम मेनली ये चार जनरेशन पढ़ेंगे और आप देखते हैं कि इसको हम सिंबल से कैसे कैसे डोनेट करेंगे। दोस्तों
ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन लिंक में, ठीक है, तो आप वहां से भी डाउनलोड करके आराम से नोट्स बना के लिख सकते हैं। मैंने आप लोग के लिए वहां पे नोट्स बना के और एक लिंक दे रखा है, जस्ट उस पर आप क्लिक करिए और वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, देखो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम टाइप देख लेते हैं। देखो ब्लड रिलेशन मेनली ना तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है फैमिली रिलेशन, और चौथा होता है कोडेड रिलेशन। ठीक है, सिंपल रिलेशन में क्या होता है कि ए का भाई बी है, ठीक है, ए का भाई बी है, ये हो गया सिंपल रिलेशन, आपको पता है कि इसका भाई ए है। बट फैमिली ट्री में चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, सपोज करो मैं इसी को कंटिन्यू करता हूं, ए का भाई बी है और बी का पिता सी है। ठीक है, अब देखो ए का भाई बी है, बी का पिता सी है, आप देखो इसमें जब हम ट्री बनाएंगे तो ये हो जाएगा पूरा फैमिली वाला ट्री। मैं आपको आगे आपको भी बना के दिखाता हूं कैसे होगा। ठीक है, तीसरा क्या होता है, तीसरा हो जाता है आपका कोडेड। कोडेड में दोस्तों क्या होता है ना, यही रिलेशन होता है, फैमिली वाला ही रिलेशन ज्यादातर होता है, बट इसमें ऐसे लिख देते हैं ए प्लस बी माइनस सी वट इक्वल टू वन। अब इसे आपको देंगे क्या वो क्वेश्चन में, ये बोल देंगे कि ए प्लस बी का मतलब है, ए प्लस बी का मतलब है कि ए बी का भाई है या ए बी की बहन है। सपोज करो ए बी की, ए कॉमा बी की बहन है, और उसके बाद लिख देंगे ए माइनस सी, या सिंबल कुछ भी दे देंगे इसमें, मान लो बी माइनस सी दे दिया, बी माइनस सी को दे देंगे कि इसकी ये इसका ये पिता है, बी माइनस सी बी सी का पिता है। ये देखो ऐसे कोड बना के दे देंगे, तो आपको एक कोड दे देंगे, ये रिलेशन देंगे, उसके बाद पूछेंगे इसका मतलब बताओ कि इसका क्या लिख लेगा। ठीक है, ये पूरा रिलेशन, या यहाँ पे ये ना देंगे कुछ और लिख देंगे, आर लिख देंगे, पी लिख देंगे, क्यू लिख देंगे। अब यह है कि आपको सिंबल ही यहाँ पे सिंबल देखना, इस सिंबल से आपको ये रिलेशन निकालने होंगे। ठीक है, तभी इसमें हम क्वेश्चन लेंगे तो आपको ज्यादा बेटर अच्छे समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि तीन टाइप के होते हैं, बस आपको इतना ये पता होना चाहिए। इसमें जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा और ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखो एक चीज और हम ध्यान देते हैं कि जैसे मैंने बनाया था ना फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ठीक है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी। अब करते क्या है हम, अगर जनरेशन सेम है, सपोज करो आप थर्ड जनरेशन में थे, तीसरी पीढ़ी में थे आप, तो अगर पीढ़ी दोनों सेम होना, मतलब पीढ़ी एक सेम होना, तो उसके लिए एक ही लाइन से रिलेट करते हैं ऐसे, जैसे ए का भाई बी है। ठीक है, अब इसको हम कोडेड लैंग्वेज में कैसे बनाएंगे, ए का भाई बी है, ये सिंबल एक सिंगल लाइन यूज करेंगे हम सेम जनरेशन के लिए, समझ रहे हो। ठीक है, ये हो गया एक सिंगल जनरेशन के लिए, मतलब सेम जनरेशन के लिए, समान पीढ़ी के लिए, समान पीढ़ी के लिए। ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ होते हैं तो हम क्या करेंगे, बस किसी और टूल से बनाता हूं मैं, हम डबल लाइन यूज करेंगे किसके लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए। पति पत्नी के लिए हम डबल लाइन यूज करेंगे। अब देखो बस यही रिलेशन होगा, और तीसरी चीज क्या है, प्लस लिखेंगे हम ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा मेल के लिए, माइनस लिख देंगे आप किसी को जिसमें आपको सुविधा पड़े वैसे लिख सकते हैं, बट मैंने इसी से प्रैक्टिस कर रखी इसलिए मेरे को ऐसे याद है। ठीक है, माइनस लिखते हैं फीमेल के लिए, जहां अगर इसे अब ये आपने अब इसको देखो, इसको देखते कर मेरे ये रिलेशन ड्रा करना होता। ठीक है, यहाँ पे ए बी का भाई है तो मैं इसको कैसे बनाता, देखते हैं। देखो अब क्या है कि समान पीढ़ी के लिए मैंने क्या लिखा था, सिंगल लाइन यूज करेंगे, ए बी का भाई है मतलब दोनों एक ही पीढ़ी में है, भाई और भाई। ठीक है, ए बी का भाई है, ठीक है, तो ए का भाई बी है, ठीक है, तो ए का भाई बी है, तो भाई का मतलब ये मेरे पता चल रहा है कि ये भाई है, ये प्लस लिख देंगे तो हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें इसका ए का नहीं पता है, अगर यहाँ पे लिख दिया तो ए लड़की है और ए का भाई बी है तो हम इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, ऐसे तो अब यहाँ पे देखो, अब
लड़का है या लड़की है, मेल या फीमेल है, इसके लिए हम मेल के लिए प्लस यूज करेंगे, फीमेल के लिए माइनस यूज करेंगे, और समान पीढ़ी है अगर एक समान पीढ़ी है तो उसके लिए एक लाइन यूज करेंगे, हस्बैंड वाइफ है तो उनके लिए डबल लाइन यूज करेंगे। ठीक है, ये पूरा इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद सपोज करो पीढ़ी से पीढ़ी ट्रेवल करते हो, तो पीढ़ी से पीढ़ी ट्रेवल करने में या तो हम ऊपर को ऐसे बना लेंगे या तो आप नीचे को ऐसे बना लीजिए एरो ऐसे करके, तो पीढ़ी चेंज हो रही है ना, तो या तो आप ऐसे एरो बना लो, एरो लगा दो, एरो का मतलब हो जाएगा कि पीढ़ी चेंज हो रही है। ठीक है, इस पीढ़ी से उस पीढ़ी में हम जा रहे हैं। आप ये लाइन ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, नॉर्मली हम एक ही का फॉलो करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है कि ये ऐसे दो एरो क्यों आ जाते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, देखते देखो हम लिखते हैं ए कॉमा बी का बेटा है। ठीक है, अब यहां पे हम क्या लिखते हैं, देखिए ए कॉमा बी का बेटा है। ठीक है, बी का बेटा कौन है, बी का बेटा, बी का बेटा देखो अब नहीं समझ में आ जाए पढ़ते समय ना, तो बस इसी को रिपीट करो, बी का बेटा है, बी का बेटा है, बी का बेटा कौन, बी का बेटा ए है, तो बी का बेटा कौन, ए, तो यहाँ पे हम ऐसे बना देंगे ए, ये नीचे को एरो आ गई। ठीक है, अगर ये लिखा होता ऐसे ए का पिता बी है, ठीक है, अगर ऐसे लिखा होता ए का पिता बी है, तो हम ये मतलब तो ये लिख रहा है ना, देखो जनरेशन दोनों ऐसे रहेगी, ए का पिता बी है, ए का पिता बी है, ये पिता हो गया, ये बेटा हो गया। ठीक है, ठीक है, एक बी का बेटा यहाँ पे, आप देखो ये एरो से क्या मतलब निकलता है हमें, कि हमने इसके रेफरेंस में पहले देखा है, यहाँ इसके रेफरेंस में देखा है, इसीलिए ऐसे आ गया कि बी का बेटा ए है। ठीक है, तो हमने सेंटर में पहले इसको रख के देखा, अभी क्या है, इसको हमने सेंटर में रख के देखा, तो जहां से हम चल रहे हैं ऐसे एरो बन जा रही है, ऐसे एरो बन जा रही है। बट अगर आप एरो ऐसे ही बना दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बनाओ, इसको ऐसे बना दो, फादर तो फादर ही रहेगा, सही कह रहा हूँ, बेटा बेटा रहेगा, फादर फादर रहेगा, आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ। तो एक बस डोनेशन के लिए बता, दिखाने के लिए आपको बता दिया कि आप ऐसे बना लीजिए, ये आपको ज्यादा सिंपल भी रहेगा और सही भी रहेगा, और एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आप एक पे प्रैक्टिस कर ली दोस्तों तो ये मान के चलिए कि आपका सारी चीजें आसानी से हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए मैंने टाइप बता दिया आपको, ठीक है, टाइप के बाद हमने पढ़ लिया क्या जनरेशन क्या क्या है, जनरेशन हो गया हमारे, अब हम सिंपल भी हमने पढ़ लिए कि प्लस का मतलब होता है मेल, माइनस का फीमेल। ठीक है, सिंगल लाइन आपको सेम जनरेशन के लिए यूज करनी है, डबल लाइन आपको हस्बैंड वाइफ के लिए यूज करनी है, एरो अप और डाउन वाला, ठीक है, आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में यूपीएससी में जितने क्वेश्चन आए हैं ना उस पे बेस्ड सारा मैं उस पे आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और जिन्होंने मतलब आपको नोट्स इसमें अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा दोस्तों, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के पहले लिखता हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा, यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। यह लड़का सीता से किस प्रकार संबंधित है? देखो दोस्तों अब क्या है,
कि जब भी मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे ना किसकी ओर इशारा करते हुए ऐसे करते हुए ना, तो सबसे पहले आपको खुद को बैठा लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा, किसने कहा, सीता ने, तो आपको अपने सीता को मतलब सीता की जगह आपको बैठ जाना है, ये होगी सीता, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंबल नहीं बनाता हूँ, नहीं आप कन्फ्यूज होंगे थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे देखो, अब आपने यहाँ पे सीता को बैठा दिया, ठीक है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा, सीता ने कहा, ठीक है, सीता सेंटर में है। उसके बाद कहा, यह मेरे दादाजी के, यह मेरे दादाजी के, कितनी जनरेशन आप ऊपर जाओगे, एक दो, ये पापा, पापा के ऊपर कौन, दादा, ठीक है। अभी मान लो दादाजी कोई है एक्स, ठीक है, और दादा बोल दिया तो कौन हो गया, मेल, जिसको हम प्लस से डोनेट करेंगे, मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले आपको, ठीक है। अभी हो गया यहां तक, यार मेरे दादाजी के, ठीक है, इकलौते बेटे का, इकलौते बेटे का, इकलौते बेटे मतलब यहाँ आएंगे ये पापा हो जाएंगे उनके, ठीक है। इकलौता, इकलौता मतलब एक ही है, मतलब इसके पापा हो जाएंगे, इकलौते बेटे का, बेटा मान लो वाई है, ये हो गया, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा, यह मेरे दादाजी, तो यहां से हम दादाजी तक पहले गए, फिर उसके बाद दादाजी के इकलौते बेटे का, इकलौता बेटा हो गया, का बेटा है, का बेटा है, का बेटा है, मतलब इसका, इसका बेटा है, ठीक है। इसका बेटा कौन हो जाएगा, मान लो जेड है, ये प्लस हो गया। अब इसके बाद क्या पूछता है, यह लड़का सीता से किस प्रकार संबंधित है, भाई बहन होंगे, ये सीता माइनस, ये जेड प्लस, तो ये एक ही इकलौता ही है, तो इकलौते बेटे का ही तो दोनों होंगे ना, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग सा हो गया, देखो ये हो गया दादाजी एक्स, इससे नीचे पापा जी हो गए वाई मान लो, ठीक है, इससे नीचे दो दो लोग आ गए, तो हम ऐसे इसको बना सकते हैं, वैसे अगर चाहो तो ऐसे भी बना सकते हैं हम, ऐसे करके भाई बहन के लिए, ठीक है। ये सीता हो गई, अब इसमें सिंगल रिलेशन हो जाएगा, जनरेशन चेंज के लिए देखो मैंने ये वाला सिंबल यूज किया, ये वाला सिंबल यूज किया। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा ऐसे। अब ठीक है, सीता जी के दादाजी हो गए, दादाजी के बाद उनके बेटे, बेटे का बेटा, और पूछ रहा है कि सीता और इनमें क्या रिलेशन है, ये तो भाई बहन ही हुए ना, क्योंकि इकलौता, इकलौते हैं, तो इकलौते का तो ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में दोस्तों इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर में जितने भी यूपीएससी में क्वेश्चन आए हैं हम वो सारे करेंगे, ठीक है। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा इसको लाइक सब्सक्राइब और आप अपना सुझाव कमेंट के थ्रू हमें दे सकते हैं, और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं उन लोगों तक वीडियो ये पहुंचा सकूं जिनकी इनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।